लेटेस्ट रेक्टम इज बिटवीन फोकाई। तो ध्यान से देखिए मेरे पास अगर मैं स्टैंडर्ड हाइपरबोला की बात करता हूँ और कुछ भी नहीं मालूम है तो लेटस्ट रेक्टम की लेंथ एट है लेंथ ऑफ कंजुगेट ऐसा कुछ हाइपरवोला होता है भाई स्टैंडर्ड की बात करें तो सही है और लेटेस्ट एक्टम क्या होता है और इक्वेशन क्या रहती है फोकाई येटेस्ट एक्टम की होती है आई डोंट नो अपॉन मुझे क्लियर नहीं है हाइपरबुला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन ठीक है ना अब ध्यान से समझना कि प्रॉब्लम क्या है कि इसेंट्रिसिटी निकालना है तो इसेंट्रिसिटी निकालना है और क्या क्या दिया है उस पर मुझे फोकस करना चाहिए पहली बात क्या दी तो uh, है येट एक्सेज इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फोकाई लेंथ ऑफ कंजुगेट टू ए टू बी होती है कंजुगेट एक्सिस ट्रांसफर्स एक्सिस एंड कंजुगेट एक्सिस होती है और 2b होती है हाफ ऑफ द फोकाई डिस्टेंस बिटवीन फोकाई तो ध्यान से देखिए फोकाई के बीच की डिस्टेंस ये ae कॉमा जीरो होता है तो फोकाई के बीच की डिस्टेंस होती है 2a ठीक है ना और ये किसके बराबर है ये बराबर दिया मुझे लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस और 2b के बराबर है 2b लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई आधा ठीक है ना तो ये मेरे पास टू बी बी की वैल्यू कितनी आ गई बी की वैल्यू आ गई ए ये एक रिलेशन आ गया ए बाई टू ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया अनदर थिंग ये लेंथ लेंथ ऑफ ये कितनी आती है ये लेंथ आती है इसमें अगर एक्स की जगह ए ही रख दूंगा तो ध्यान से देखना वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी अगर एक्स की जगह ए ही लिख दूंगा तो मेरे पास आएगी ई e स्क्वायर माइनस वन आ जाएगी तो y की वैल्यू कितनी आएगी y की वैल्यू आएगी बी स्क्वायर वाई की वैल्यू आएगी बी स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू और e स्क्वायर माइनस वन आ जाएगी सही है और मैं ये एक और रिलेशन में जानता हूं ये मालूम होना चाहिए कि स्मॉल a b और इसेंटिसिटी में जो रिलेशन है वो क्या होता है बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a ए स्क्वायर और ई स्क्वायर माइनस वन होता है बस समझ आ गई ये रिलेशन मालूम है कुछ लोगों को ये रिजल्ट भी ध्यान होता है यहाँ से अगर मैं ई स्क्वायर माइनस वन को लिख दूंगा तो वाई की वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बी की पावर फोर अपॉन ए स्क्वायर तो वाई की वैल्यू आती है प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ए तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट एक्टम इज एट तो ये जो लेंथ है ये टू बी स्क्वायर अपॉन टू बी स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू दे रखी है मुझे एट ठीक है ना कुछ लोगों को ये रिजल्ट भी ध्यान होता है कि हाइपरबोला और एलिप्स के केस में हा, स्टैंडर्ड हाइपरबोला और एलिप्स के केस में लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम ये होती है ठीक है ना और पैराबोला के बारे में भी ध्यान रहता है तो ये अब मुझे मालूम है ये मालूम है और ये मालूम है और कैलकुलेट क्या करना है कैलकुलेट करना है कि ई कैलकुलेट करना है आई थिंक इसेंटिसिटी कैलकुलेट करनी है भाई तुम अब इस्टिसिटी की तरफ तेजी से बढ़ते हैं क्या दिक्कत है यहाँ पे बी ये तो यहीं से आ गया यार इसी की हेल्प से आ रहा है बी बाय बी स्क्वायर इक्वल बी टू ए सही है तो यहां से क्या आएगा बी बाई ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से बी बाई ए की वैल्यू आएगी लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सेस इज इक्वल तो टू हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फोकाई तो यहां से बी बाई A की वैल्यू बी बाई ए की वैल्यू आएगी ई बाई टू तो बी स्क्वायर बाईक् माइनस वन तो, तो काफी सिंपल ही आ गया इसकी जरूरत कहां पड़ रही है इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी दोनों इंफॉर्मेशन से ही आ गया देख लेते हैं फिर भी तो ये मेरे पास कितना आएगा थ्री ई स्क्वायर बाईर की वैल्यू वन आ गई तो ई e की वैल्यू आ गई टू बाई रूट थ्री बात समझ आई नहीं और बीस बी बाई ए इसकी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ रही देखते हैं लेटेस्ट अगर हम देखें इसमें तो ये जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास एडिशनल दे रखी है हो सकता है को बहुत ज्यादा रिलेशन से नहीं फायदा हो रहा होगा लेकिन ये सफिशिएंट है ये जैसे ही ये मालूम हुआ और ये मालूम होता ही है हमें तो हमारे पास E आ गया और ये करेक्ट है यहाँ से फिर हम B बाई ए A, A और B निकाल भी सकते हैं और ये भी चेक कर सकते हैं कोई दिक्कत है नहीं इसमें तो मुझे लगता है समझ में आ गया है और टू बी स्क्वायर बाई ए ले, लेटर सकते हैं यहाँ से काम की बात क्या है कि फोकाई क्या होती है ए इमा जीरो माइनस ए जीरो फोकाई के बीच की डिस्टेंस कितनी है टू ए एंड कंजुगेट एक्सेस की लेंथ क्या होती है टू बी होती है ये वाली मानी जाती है लेंथ ऑफ लेटेस्टम टू बी अपॉन ए होता है उससे हमने देख भी लिया है ठीक है ना तो ये काम देगा आपको और मुझे लगता है ढंग से समझ में भी आ गया है.